नारायण नारायण दोस्तों दोस्तों मैंने अपने एक शॉट में अभी बताया था कि हम श्रावण मास में श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है, तो मैं उसी के तहत आपको बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण की पूजा कौन कौन से समय सबसे ज्यादा की जाती है। इसमें सबसे पहले है श्री कृष्ण की पूजा में कि मैंने आपको टाइम बताया था कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी तक श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस समय श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्ण मंदिरों में उत्सव का समा होता है, सारे मंदिर बिल्कुल अच्छे से सजा दिए जाते हैं, रंग बिरंगे उसमें फूल पत्तियां कपड़े सब बहुत छोटी छोटी सी ध्वजाएं इन सबसे उनको सजा दिया जाता है और वहां पर झूले में विराजमान श्री कृष्ण जी का झूला भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजता है। और दोस्तों एक बात आपसे और बताऊं, वृंदावन में और तो कहीं गई नहीं, मैं वृंदावन गई हुई हूं मुझे पता है, वृंदावन में जगह जगह पर सावन के महीने में श्री कृष्ण के झूले लगते हैं और उन झूलों में सचमुच में ही छोटे छोटे कृष्ण और राधा को बिठाया जाता है। आप जाकर उसको उनका हिंडोला, हिंडोला भी एक उत्सव होता है, ये जो कृष्ण जो पूजन होता है श्रावण मास में उसमें हिंडोला भी एक उत्सव है, आप उनका हिंडोला हिलाइए तो आपके मन में बिल्कुल ऐसा भाव आएगा कि आप सचमुच में राधा कृष्ण को ही झूला झूला रहे हैं। हरियाली तीज, हरियाली तीज के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, अमावस्या के बाद जो तीज आती है वो हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है और राजस्थान का तो ये मेन त्योहार माना जाता है। तो हरियाली तीज पर भी झूले की परंपरा है, इसमें सारी स्त्रियां बहुत अच्छे से कपड़े उपड़े पहनकर मेहंदी लगाकर और झूले झूलती हैं और उन बहुत अच्छे तरीके से सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं और यही हरियाली तीज वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर राधा वल्लभ मंदिर में। इसमें ठाकुर जी को हरियाली तीज में ठाकुर जी को सोने के हिंडोले में बिठाया जाता है, सोने के झूले में बिठाया जाता है, इसमें चांदी का वर्क लगा होता है और इसमें मीनाकारी होती है, कई सारे नग भी लगे होते हैं, मीनाकारी भी होती है, बहुत ही सुंदर होता है वो दृश्य, देखने लायक होता है दोस्तों। और कृष्ण और राधा का तो हम सब सुने ही हैं कि कृष्ण और राधा झूला झूलते हैं, पर इस समय में कृष्ण और बलराम उनके बड़े भाई ये दोनों भी मिलकर झूला झूलते हैं। श्रावण मास में वृंदावन की रास लीला कम आकर्षक नहीं होती है, ये सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। रास लीला में श्री कृष्ण सारी गोपियों के साथ, बीच में श्री कृष्ण और राधा और चारों तरफ सारी गोपियां इनके साथ रास लीला करते हैं। सबसे इसमें मतलब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी गोपी को ये नहीं लगता है कि मैं अकेली रास लीला कर रही हूँ, सारी गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं, श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं, श्री कृष्ण इतने रूप उन्होंने धरे और उन सबके साथ में मिलकर और रासलीला करते हैं, ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है रासलीला। इस प्रकार श्रावण मास में यदि आप श्री कृष्ण की आराधना भी करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्री राधा जो कि श्री लक्ष्मी जी का ही रूप है उनको प्रसन्न कीजिए। इसीलिए जो वृंदावन और आसपास बरसाना इन सब जगह पर राधे राधे बोला जाता है, राधे राधे बोलो दौड़े आएंगे बिहारी, तो यदि आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो राधे राधे बोलिए, श्री कृष्ण आपके पास अपने आप दौड़े चले आएंगे और वो आ गए तो फिर किस चीज की कमी रह जाएगी। नारायण नारायण। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण लिख दीजिए दोस्तों प्लीज़।